नमस्ते आप सबको। थैंक यू फॉर कमिंग हेयर। जम्मू आके बहुत अच्छा लग रहा है और आप सबसे मिलके भी बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक ये हम सबकी दूसरी मीटिंग है आफ्टर मिसेज इंडिया। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर हेल्पिंग इंडिया विन। आपकी ब्लेसिंग्स का भी बहुत बड़ा हाथ है मेरे पेरेंट्स के साथ साथ। थैंक्स अ लॉट। मैम, लास्ट टाइम जब आप आए थे तब मिसेस इंडिया थे, आज मिसेस वर्ल्ड हैं, तो किस तरीके का ये बदलाव है? बदलाव ज़्यादा कुछ आया नहीं है, बस मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है अब। पहले सिर्फ देश भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, देश भर की औरतों को अगर जागरूक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब ऐसे लगता है कि साथ साथ दुनिया में और जहाँ कोई औरतें हैं उनको जागरूक करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अब मेरे शोल्डर्स पे है। बट दैट्स अ गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी आई फील। ये एक ऐसा काम है जो करना मुझे पसंद है, और अगर मुझे लगता है हमारे माता पिता ने जिस तरह से हमको सपोर्ट किया और इस तरह आगे बढ़ाया, उस तरह सबके पेरेंट्स, सबके हस्बैंड्स, सबकी फैमिलीज उनको सपोर्ट करें, तो इससे बड़ी अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। सरगम जी, नेक्स्ट क्या है? आप इसके बाद क्या है आपकी फ्यूचर प्लानिंग, क्या कुछ होगा आप हमें देखने को मिलेगा? जी, सो देर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ विनिंग एनी ब्यूटी पैजेंट। हमें लगता है कि इट इज़ जस्ट अ पैजेंट, आपको क्राउन मिल जाता है, सैश मिल जाता है, पॉपुलैरिटी मिल जाती है, बट इस पॉपुलैरिटी के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि दो बहुत मेजर चीज़ों को लेके आई है। जैसे कि जैसे मैं मिसेज इंडिया के टाइम पर सेल्फ डिफेंस फॉर यंग गर्ल्स को प्रमोट करती थी। स्कूल्स में जाके, मुंबई के काफ़ी स्कूल्स में जाके हम सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप्स करते थे, तो वो एक चीज़ थी जो मिसेज इंडिया INC के टाइम पे होती थी और अब वर्ल्ड के टाइम पे भी की जाएगी। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्रग अब्यूज़ के बारे में इंडिया को और वर्ल्ड को जागरूक करना, और ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में जो मिसेज वर्ल्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एंड आई एम होपिंग के इस साल में, इस अपने जो भी ये पूरा साल रहेगा 2023 का, इसमें मैं ये जागरूकता फैलाऊँ। क्या ये जम्मू कश्मीर में भी इस तरह का आपका कुछ काम है? बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ प्लान दैट आई माइट आई वी आर स्टिल प्लानिंग अबाउट इट। हो सकता है मई या जून में आपको ऐसा कुछ देखने को मिले जहाँ पर मैं जम्मू एंड कश्मीर के यूथ को ड्रग अब्यूज के बारे में जागरूक करने के लिए वापस आना चाहूंगी। सरगम जी, यूजली जो इस तरह के प्रेजेंट्स होते हैं, कॉम्पिटिशंस होते हैं, उसके बाद बॉलीवुड की तरफ जो एंट्री, आपका क्या विचार है इसके बारे में? बहुत अच्छी बात है। आई थिंक ये एक और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बॉलीवुड जो आपको बहुत पॉपुलैरिटी, फेम देता है, बट मैं हर बार यही कहती हूँ कि फेम के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो आई थिंक वी ऑल शुड रिस्पॉन्सिबली चूज। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर बॉलीवुड से कोई अपॉर्चुनिटी मिले, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट आई थिंक राइट नाउ आई फील देर आर मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू। मॉडलिंग में कुछ आगे करने? ऑफकोर्स मैं मॉडल ही थी जब मैंने शुरू किया था मिसेज इंडिया और मिसेज वर्ल्ड, एंड सो वो कंटिन्यू रहेगा। उसके साथ साथ ऑब्वियसली बहुत सारी और चीज़ें जुड़ती जाएंगी जिसके लिए आई एम क्वाइट ओपन। सरगम जी, आपने इंग्लिश लिटरेचर किया जी, एमए की, उसके बाद आप टीचिंग में गए, वो एक टर्निंग पॉइंट क्या था जो आपको मॉडलिंग के दुनिया में ले आया? मॉडलिंग में शुरू से करती थी, टीचिंग के दौरान भी करती थी, बट वो एक पार्ट टाइम चीज़ थी, जो एक हॉबी थी। पर जब मैंने वो हॉबी को डेवलप किया, आई रियलाइज कि आई एम गुड एट इट। एंड टीचिंग दो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट आई थिंक मॉडलिंग हमेशा से एक पैशन था जो पेरेंट्स को भी बहुत फैसिनेटिंग लगता था, और वो चाहते थे कि मैं इस फील्ड में कुछ आगे बढ़ के कुछ करूं। आई थॉट टीचिंग तो कर ही लेंगे कभी भी, मॉडलिंग अभी करके देख लेते हैं हाउ डज इट। आप एक टर्निंग पॉइंट रहता है जिसमें जी, वो टर्निंग पॉइंट आई थिंक मेरे हस्बैंड की जब मुंबई ट्रांसफ़र हुई तो वही एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वहाँ जाकर जब मैंने देखा कि लोग अपनी नॉर्मल जॉब्स तो कर ही रहे हैं, साथ साथ जो यंगस्टर्स हैं दे आर इनटू अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, कि अब छोटी सी उम्र से फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, मॉडलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, स्टाइलिस्ट बन रहे हैं, एंड दे आर जस्ट कॉलेज स्टूडेंट्स, और बड़े बड़े इवेंट्स प्लान कर रहे हैं। सो उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि अगर ये कर सकते हैं तो ऑब्वियसली मैं भी कर सकती हूँ। तो आप अभी जो जम्मू के यूथ हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरह अपने आप को डेवलप कर सकते हैं? उनके लिए यही मैसेज है दैट मैं पहले भी बोलती आई हुई अपने काफ़ी इंटरव्यूज़ में, दैट एक प्लान बी होता है ना, वो बहुत ज़रूरी है। मैं जैसे कि एक टीचर थी, मेरे पास वो प्लान बी हमेशा से था, मेरी एजुकेशन, मेरी डिग्रीज, मेरी मेरी पढ़ाई और मेरी जो भी तालीम है जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दी है,
बट ऑब्वियसली एक स्टेप के बाद आप अपनी अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं, तो वो पैशन फॉलो करने के लिए ऑलवेज नीड टू हैव एक बैक होनी चाहिए आपके पास कि अगर ये ना हो पाए, भगवान ना करे अगर मैं ये परस्यू ना कर पाऊँ आगे, तो एटलीस्ट मेरे पास कुछ और हो जिससे मैं सस्टेन कर सकूं, एंड वो प्लान भी बहुत जरूरी है। यस, आई एक्चुअली जस्ट फिनिश्ड विद माई टेड टॉक जो अभी फरवरी में हुई थी, मेरी पहली टेड टॉक थी और मैं बहुत एक्साइटेड थी उसके लिए, और इस तरह से और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं मुझे। ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है कि लोग मेरे को सुनना चाहते हैं, मेरी आवाज़ सुनना चाहते हैं, मेरे ओपिनियन सुनना चाहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैरिड इंडियन वुमेन के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉइस आउट देयर ओपिनियंस, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हम लोग अपनी आवाज़ को दबा देते हैं शादी के बाद। अच्छी बात है कि हम अपनी फैमिलीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं, अपने हस्बैंड, अपने पेरेंट्स, अपने इन लॉज, अपने बच्चों का, बट देन एक टाइम के बाद हम अपने बारे में सोचना छोड़ देते हैं, जो कि हमें हमारे लिए ही भारी पड़ता है एक टाइम के बाद। तो नाउ दैट पीपल आर लिसनिंग टू मी, आई वॉन्ट मोर पीपल टू जॉइन, मोर पीपल टू लिसन टू मी, एटलीस्ट मे बी ऑन सोशल मीडिया, मे बी ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स। आई थिंक इट इज़ one thing that I'm looking forward to. कई जगह से आपको ऑफर भी अभी तक आ चुके होंगे, तो अभी आपने किसी जगह पे सेलेक्ट किया अपने आप को? नहीं, अभी आई एम टोटली फोकसिंग ऑन, कहते हैं ना, एम्पावर करने के लिए, क्योंकि अभी मुझे लगता है मेरी वो लोहा गर्म है अभी, और उस गर्म लोहे पे अगर अभी काम किया जाएगा तो अभी बहुत अच्छा फ्यूचर मिल सकता है। ऑफर अभी आता है बिग बॉक्स जैसे शोरूम, तो आप जाओगे वहां पे? सोचेंगे कभी इसके बारे में। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, जम्मू से पढ़े हैं आप, जम्मू से आपकी अपब्रिंगिंग है, लेकिन अक्रॉस द वर्ल्ड अभी भारत को आपने रिप्रेजेंट किया, उस फीलिंग को किस तरीके से देखते हैं? जैसे जब कहा जाता है कि जम्मू के अंदर प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन आपने उस बात को जो है वो गलत साबित कर दिया। जब मैं उस स्टेज पर थी वर्ल्ड के, एक राउंड होता है जिसमें हमें स्टेज पर एक माइक पर आके अपना कंट्री का नाम लेना होता है। मिसेस वर्ल्ड में थोड़ा अलग था, हमें अपने स्टेज पे जाके अपना और अपने स्टेट का नाम लेना था जिसमें हम पैदा हुए, तो मुझे सरगम जम्मू एंड कश्मीर बोलना था, और मैं इतनी खुश हुई ये बोल के, बिकॉज आई थिंक ये ऐसा कभी बोलने को मिला नहीं है एक इंटरनेशनल स्टेज पे, और जब वो बोला तो आई फेल्ट कि यस, जम्मू एंड कश्मीर को दुनिया जानती है आज की डेट में, एंड आई फील दैट वेरी स्ट्रांगली, बिकॉज इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जम्मू का यूथ बहुत बहुत स्ट्रांग है, बहुत एजुकेटेड है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत खूबसूरत भी है, तो आई थिंक इस सारी चीज़ों का मिक्सचर अगर हमारे यूथ के पास है, तो एक चीज़ जो कमी मुझे लगती है वो है एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटी, बट आई थिंक वो यहाँ मिले या इंडिया के किसी और क्षेत्र में मिले, इट हार्डली मैटर्स। मैटर ये करता है कि अपॉर्चुनिटी मिले, और आई थिंक वो मिल रही हैं आपको, अब इसी से पता चल गया होगा।